लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? क्या हुआ? सर, ये हुआ, अंडरस्टैंड? नो सर। यू डोंट अंडरस्टैंड? नो सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत तुमने कचरे के डब्बे में डाल दी, डोंट यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। शहर के बाइज्जत लोगों के सामने तुमने एक बार गंदा और ओछा डांस किया है, अंडरस्टैंड? यस सर, पर मैं इतनी कैसे पी गया? आई डोंट अंडरस्टैंड सर। यू डोंट अंडरस्टैंड? यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग? यस सर। ये नोट असली नहीं, 100% नकली नोट है। ओहो, यानी कि नकली नोट भी छापने शुरू कर दिए? हाँ, और इससे पहले कि हमारे मुल्क की सरहद तक पहुंचे, हमें उस छापने वाली मशीन तक पहुंचना होगा। ओह, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बाप रे, इसकी तो रात की उतर गई, मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ, तू इसे संभाल। मॉर्निंग। अरे इंस्पेक्टर, आप सो रहे हैं? हाँ ये। अच्छा, आप लोग कल रात को यही थे? नहीं, पार्टी में दारू पी रहे थे। इसे कैसे मालूम? क्या क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग रात भर यही थे ना? अरे इंस्पेक्टर, आपने बाहर इतना सख्त पहरा लगा रखा है, कैसे कहाँ जा सकते हैं? हाँ तो ठीक है, मुझसे पूछे बगैर आप लोग कहीं जाइएगा भी मत। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। अरे आकाश, वो हिंदी की डिक्शनरी का क्या नाम है? तपस्वी गुंजाल। हाँ, उसने हमें अपने कसिनो में आने की दावत दी थी। अच्छा, पर उससे क्या होगा? अब तो वहीं जाके सब कुछ होगा। भूकंप सिंह को दावत दी है उसने। क्या नाम है उसका? तपस्वी पंडाल। पंडाल नहीं सर, गुंजाल। आज जो भी है, हम उसे कंगाल करके उसके कसिनो का नीलाम कर देंगे। है ना रानी जी? जी। हाँ तो फिर कौन सा नंबर लगाए? 12 7 red. अब कौन सा नंबर? 15 नंबर 18 red. 4 नंबर 4 नंबर 10 black. 33 नंबर 33 नंबर 32 रेड 32 चुंबक कहाँ चिपकाना है, आप समझ गई ना? जी हाँ नवाब साहब। परमेश्वर, अगर आप ऐसे हारेंगे तो। महारानी जी, भूकंप सिंह पहले अपने दुश्मनों को जिताकर उनका साहस बढ़ाता है, फिर सबको जीतकर उन्हें फटेहाल कर देता है। मेरी तो आप कुछ सुनते ही नहीं, अगर नवाब साहब होते तो आपको खेलने ही नहीं देते। उन्हें तो ढूंढ रहा हूँ। Place your bets. मिल गए। Place your bets. 13 Time up. Good luck. Jumbo, how are you? How are you? Number 13 Number 13. Very lucky. Come on, everybody, put your money away in the casino. Permission only 28. Number 28. Casino clean, boy. Oh no. Casino closed forever. Sorry.
उसका दीवाना निकल गया और तुम घन चक्कर कोई चक्कर नहीं चला सके। हम बैंकरप्ट हो गए। देखो चंडाल पंडाल की घीघी बंधी हुई है। यार रख दो। अम्मा माफ कीजिएगा राजा साहब, हमें आने में जरा ताखीर हो गई। वो क्या हो गया, सुबह सुबह हमारे तलवों के नीचे मूली का पत्ता आ गया, इसलिए हमें जुकाम की शिकायत हो गया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं नवाब साहब, आपकी दुआएं और हमारी महारानी के प्यार ने हमें जिता दिया। ये सब बात में राजा साहब, पहले आप इन नोटों के बारे में सोचिए। आप इन पैसों के साथ करेंगे क्या? ये तो दूसरे मुल्क के पैसे हैं। अरे अरे, ये बात हमारे अखिलेश शरीफ में आई क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, हम हमेशा अपनी जीत को प्रजा में बांट देते हैं। महाराज, आप ये धन प्रजा में बांट देंगे? अगर आप मुझे केवल 24 घंटे दे तो मैं भारत सरकार द्वारा संचालित हरे नोटों की व्यवस्था कर सकता हूँ। इस मुल्क में हमारे नोट? क्यों मियां, भारत सरकार की नोट छापने की मशीन आपके पास है? बहुत बड़ा व्यापार है, हम वहीं से मुद्राओं की व्यवस्था करेंगे। ये रहा हमारा दर्शन पत्र, कल पहुंचे 10 बजे आप हमारे निवास स्थान पर पधारे। मुद्राओं से भरा सूटकेस आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। व्हाट डिड ही से? पैसे मिल जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। चलिए महारानी जी। हाँ तो तपस्वी कंगाल, नवाब साहब गुंजाल, ठीक 10 बजे भारत सरकार की मुद्रा। धन्यवाद। प्रणाम राजा जी। नवाब साहब तस्लीम। अब भी तुम लोग यही कहोगे कि मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अजगर जुर्राट साहब के घर में रात को बिना बुलाए घुसाने का मतलब क्या था? तुम लोग कौन से मिशन पर हो बताओ मुझे। इंस्पेक्टर, तुम ये बात तो जान गए हो कि हम उन शरीफ लोगों के घर में भेस बदल कर गए थे, लेकिन तुम क्या समझते हो कि हमें पार्टी की रौनक देखने का शौक है? हम तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर गए थे क्यों? इस सच्चाई के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये सब हम उस मिट्टी के लिए कर रहे हैं जिसकी खुशबू तुम्हारी सांसों में भी है। उस मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में है और मोहब्बत भी, लेकिन अगर गलत इंसान की जगह किसी शरीफ इंसान की इज्जत उछाली गई तो मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हो जाऊंगा। हम सब अपने फर्ज से बंधे हुए हैं इंस्पेक्टर साहब। वो शरीफ इंसान आपके मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हिंदुस्तान के गद्दार हो, और उन्हीं गद्दारों की तलाश में मैं भी आई हूँ जिन्होंने सुहागरात की सेज पर मेरी बहन को विधवा कर दिया। जिस तरह आपकी बेटी रातों में अपनी माँ को याद करके चीखती है, उसी तरह मेरी बहन की खामोशी मेरे कानों में एक भयानक चीख की तरह हमेशा गूंजती रहती है। आखिर कौन है ये लोग, कौन है ये वैशी दरिंदे? मुझे बताओ, मैं उन्हें इस शहर से ही नहीं इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारी नजरों में वो इज्जतदार लोग हैं और हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं। Just give me 48 hours, इंस्पेक्टर। मैं उन गुनेगारों को सबूत समेत तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ये आपका एहसान होगा इंस्पेक्टर। ठीक है, जिन्होंने तुम लोगों के साथ, हमारे भारत के साथ ये गद्दारी की है, रेणुका की बहन की जिंदगी बर्बाद की है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे तुम्हें 48 घंटे देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो यहां का कानून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आ रहे हैं महामूर्ख। हाँ तो तपस्वी झोलझाल। झोलझाल नहीं राजा जी, गुंजाल। हाँ वही, हम हमारी जीती हुई दौलत लेने आए हैं। महाराज, आपने जो मेरे कशीनों की लुटिया डुबोई है, उससे बचने के लिए आपकी सरकार द्वारा संचालित 40 लाख मुद्राएं यहाँ है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी मेहमान नवाजी से सख्त नाराज हैं। क्यों? क्यों बेटा तपस्वी, तुम्हें हमारे नियत पर शक है कि इन मुस्टंडों को असलाह के साथ खड़ा कर दिया? इन्हें फौरन दफा कर दीजिए वरना हम दफा हो जाएंगे। ब्लडी पुश को, जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपकी मिस्टर तपस्वी, हमारे बुजुर्गों ने हमें पहला सबक ये सिखाया था कि जब मामला मुद्राओं का हो तो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए,
चाहे वो तेरा बाप भी क्यों ना। इसलिए बेटा तपस्वी तुम ये माल हमारे सामने गिनोगे। मुझे तो गिनती नहीं आती। हम सिखाएंगे। पाठशाला गया होता तो आज ये विपत्ति ना आती। अब कैसे गिनू? हाँ तो बाल भारती शुरू करें। एक दो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, अगर अटक गए शर्माना नहीं, पूछ लेना। एक दो तीन चार पाँच छह, नहीं 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 नहीं, ये पाँच, ये पाँच, ये पाँच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ। तुम स्कूल नहीं गए थे क्या? दस। मजदूरी साना, वाह भाई वाह, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है, नोट छापने वाली डाई। हाँ भाई, घर पे बैठे बैठे नोटों की बरसात करो। अब ब्लू पैंथर गैंग के सामने पूरे हिंदुस्तान में कोई यहाँ कुत्ता क्यों नहीं देख सकता। हाय दोस्तों, मान गए तुम लोगों की चालाकी और दिलेरी को, अब कुछ ही दिनों में हम दुनिया के सबसे अमीर यानी कि रिच आदमी कहलाएंगे। नवाब सब, ये हो गए 39 लाख। मुन्ने मिया तुम सीख गए। 39 एक 39 दो, 39 एक 39 दो, 39 तीन, 39 चार, 39 पाँच, 39 छह, 39 सात, 39 आठ, 39 नौ और ये 40 लाख। नवाब साहब ये यही तो कौन ले गया? मुद्रा छापने का छापा ले गए, उल्लू के पट्टे हो तुम सब। वो राजा और नवाब और कोई नहीं, प्रभात और आकाश ही होंगे। उल्लू बना गए वो तुम्हें। मुझे वो डाई चाहिए, चाहे वो आकाश में हो या पाताल में, मुझे डाई चाहिए। डाई अजगर जोराट, कैसा लग रहा है धीरे धीरे मेरे हाथ का दबाव बढ़ना तुम्हारी गर्दन पर? प्रभात, वो डाई हमें लौटा दो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो डाई मुझे वापस चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सौदा हम तेरे घर पर आके तय करेंगे। ओके, देखो वो दोनों डाई का सौदा करने के लिए यहां आने वाले हैं। तुम लोग चौकन्ने रहना, जब तक डाई मेरे हाथ में नहीं आ जाए कोई गोली नहीं चलाएगा। ओके अजगर, हम आ गए। तुम एक समझदार आदमी हो, बेवकूफी मत करो। वो डाई हमें वापस दे दो और ये मुल्क छोड़कर चले जाओ। केनिया में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और ये दोनों भी मारे जाएंगे साथ में। ये बंदर घुड़के किसी और को देना आजकल। अगर मैं तुझे मारना चाहता तो बहुत पहले तेरे गंदे शरीर से धरती को मुक्ति दिला चुका होता। मैं सरकारी अफसर, फर्ज मेरा धर्म है, मैं तुझे भारत जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। इंस्पेक्टर, अपने जिंदा रहने की फिक्र करो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अबे ओए चकले, तेरे मालिक अजगर ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि अपने बाप से किस तरह बात की जाती है? आकाश भरद्वाज, तू शायद भूल गया कि हमने तेरे भाइयों को कैसे मौत के घाट उतारा था। और अगर भूल गए हो तो अपनी भाभी की उजड़ी मांग देख लिया करो, सब याद आ जाएगा। और जिसकी तुम लोगों ने मांग उजाड़ी है, मैं उस बदनसीब की छोटी बहन हूँ जल्लादों। और मैं भी यहाँ कसम खाकर आई हूँ कि जब तक तुम्हारी माँ की गोद में नहीं उजाड़ूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे छोकरे खामोश, जब तेरी बहन कुछ नहीं कर सकी तो तू क्या करेगी? हाँ प्रभात, ये डाई मेरे हवाले कर दे, वरना जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे छोटे भाई से अपने हाथ धो बैठे थे उस तरह वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, समझे? नहीं अजगर, गोली हम भी चलाना जानते हैं, लेकिन इस खून खराबे में अगर बाप बेटा मर गए तो डाई का क्या करोगे? ए, बंदूक के नीचे कर दो। प्रभात, हम बेकार में लड़ रहे हैं, क्यों ना सही तरीके से डाई का सौदा कर ले। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इनके चाहने से पहले
मेरी मांगे सुन लो अजगर। तुम्हें रुपया चाहिए? दुनिया के किसी भी कोने में जितना भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मुझे तुम्हारे नकली रुपए नहीं चाहिए अजगर, मुझे चाहिए तुम्हारी सुंदर कन्या सोनिया। जुबान लंबी मत करो आकाश, अपनी औकात में रहो। डैडी, औकात तो आपकी मुझे मालूम हो गई है। आप खूनी हैं, गद्दार हैं, स्मगलर हैं, और आज आपका ये रूप देख के मुझे आपसे नफरत हो गई है। बकवास बंद कर, तू भी इनकी बातों में आ गई। अजगर ये नाटक छोड़ो, तुम्हें ये डाई चाहिए ना, ये लो। सारी पूंजी हवा में उड़ा डाली, छल्ली छल्ली कर दो इन हरामजादों को। नहीं अजगर, ऐसा मत करना, वरना तुम्हारी बेटी की खोपड़ी डाई की तरह हवा में उड़ जाएगी। मेरी पैसी सोनिया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। मेरी पैसी को कुछ नहीं होना चाहिए, अबे चुप बैठ, वरना तुझे दहेज में ले जाऊंगा। हाँ तो अजगर हम चलते हैं, अपनी होने वाली दुल्हन साथ ले जा रहा हूँ, शादी के बाद आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। गुड डे। मुझे हक था तुम्हें इस तरह यहाँ लाने का, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सोनिया, अगर तुम इसे सच्चाई की नजरों से देखो तो एक तरफ मैंने बेटी को उसके बाप के सामने अगवा करने की गुस्ताखी की है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपनी महबूबा को एक कातिल एक देशद्रोही के चंगुल से रिहा किया। ये सही है या गलत, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। आकाश, मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूँ कि मेरे मुजरिम बाप और भाई ने तुम सबकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोल दिया। ऐसे मुजरिम बाप से बिछड़ने का मुझे कोई गम नहीं है, और कभी उनके याद आए तो उनके जुल्मों को याद करके सब्र कर लूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? सोनिया, इस दिल पर तुम उस दिन से हुकूमत कर रही हो जब इन आंखों ने तुम्हें पहली बार देखा था। I love you too। अजगर साहब, वो दोनों चाहे पाताल में छुपे हों चाहे आकाश पर, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और उन्हें जेल की ऐसी हवा खिलाऊंगा कि उनके जीवन में दोबारा प्रभात कभी नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, हम इज्जतदार लोगों की बातें बाहर तक ना फैले, बस हमारी सिर्फ आपसे यही विनती है। पता है, हमारी आपसे विनती है, हम परिवार के दो सदस्य भी आपके संग संग चलेंगे सोनिया की टोह में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमारी लाज आपके हाथ में है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ खून के आंसू रोते रहे और वहां वो दोनों बदमाश हमारी बेटी के साथ बदसलूकी कर रहे हों।